वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा आज हम लोग क्लास फिफ्थ के सोशल साइंस में बच्चों एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बच्चों, ये मेरे हिसाब से ना बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग इस समय एक देश के बारे में पढ़ने वाले हो। एक देश बच्चों, एक ऐसा देश जो हमारे इंडिया के बारे में नहीं है बल्कि इंडिया से बहुत दूर एक देश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बच्चों, ये जो कांगो देश है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। जैसे बच्चों 7 महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सेकंड नंबर पे जो आपका अफ्रीका है, वही एक देश है जिसका नाम है कांगो। आप लोग बच्चों इस मैप में, अगर मैप में दो मैप आप लोग देख रहे हो ना, तो नीचे वाला जो मैप है उसमें आप लोग देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये जो है दिया हुआ है, देख रहे हो? ये देखिए यहाँ पर बीच में। ओके, चलिए चलो बच्चों इसको हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ेंगे। और बेटा आप लोग जो है वीडियो कम, बहुत कम लोग देख रहे हो। आप सारे बच्चों से यही कंप्लेन है कि जो भी स्टूडेंट्स हो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ओके बेटा, चलिए। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट दैट इज हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से बारिश भी बहुत होती है वहाँ पर, है ना? बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दिस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ऑल रीजन्स। इट इज़ लोकेटेड रफली 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। बच्चों, ये जो जोन होता है ये पूरे विश्व में सबसे गर्म इलाका होता है, और ये इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में ये जोन होता है। ओके, द ट्रॉपिकल रीजन हैज डेंस ग्रोथ ऑफ बशेस एंड ट्रीज। और बच्चों, जो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर बहुत ढेर सारी जो है पेड़ पौधे, घनी झाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इक्विटोरियल फॉरेस्ट। लेट अस नो मोर अबाउट दिस रीजन बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या ज़ाइरे। एक्चुअली ना बच्चों, जो ये फिगर थोड़ा सा आपको देखिए, आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर, 5 डिग्री ये नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ। बच्चों, ये जो इलाका है ये पूरे साल बच्चों बहुत गर्मी यहाँ पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है। ओके, चलिए। और बेटा, जो आपका कांगो है वहाँ से ये इक्वेटर सीधे सीधे पास हो रहा है, ठीक है? तो जो कांगो है वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ही सिचुएटेड है। आप लोग वर्ल्ड के मैप को देख सकते हैं, जो नीचे वाला डायग्राम है आप लोग उसमें देखिए, जो देश कांगो है वहाँ से ये इक्वेटर पास हो रहा है और वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में क्या है, स्थित है। कांगो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका एट द इक्वेटर पासिस थ्रू इट। इट्स कैपिटल किनशासा। किनशासा इज लोकेटेड ऑन द कांगो रिवर। कांगो इज ऑलमोस्ट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। कांगो बेटा सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है और जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा वो सीधे बीचों बीच इसके पास होता है। इसकी बच्चों राजधानी जो है वो किनशासा है और ये कांगो रिवर के पास स्थित है। कांगो रिवर की वजह से इस देश का नाम क्या पड़ा, कांगो पड़ा। और कांगो ना बच्चों एक ऐसा देश है जो चारों तरफ
अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, यानी यहाँ भी देश है, यहाँ भी देश है, यहाँ भी देश है, यहाँ भी देश है, और बीच में आपका क्या है, कॉन्गो है। बच्चों इसी को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी बीच में एक बच्चा है और चारों तरफ खूब ढेर सारे बच्चे हैं। उसी तरह एक देश है और उसके चारों तरफ देश है, उसको क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। टू इट्स नॉर्थ लाइज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉट डेजर्ट द सहारा डेजर्ट। द नाइन कंट्रीज दैट सराउंडेड इट आर अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, साउथ युगांडा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक ऑफ कांगो। बेटा कांगो के नॉर्थ में क्या है? वर्ल्ड का हॉट डिजर्ट है, सबसे गर्म वाला जो डिजर्ट है या सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है, जो कहाँ स्थित है? नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। और बेटा ये जो सहारा डिजर्ट है इसके चारों तरफ कितना है? टोटल 9 कंट्रीज हैं। ये देखिए बच्चों कौन कौन से देश हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। सहारा डेजर्ट नहीं बच्चों, जो कांगो है ना। द 9 कंट्रीज दैट सराउंड इट, हाँ, 3/5 ऑफ द कांगो बेसिन लाइज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यानी 3/5 का मतलब 3/5 यानी बच्चों लगभग 60%, यानी 60% जो कांगो बेसिन है वो कहाँ पर लाई करता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। बच्चों बेसिन एक शब्द आ रहा है, इस बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से नदी जो है बह करके आगे निकलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। 3/5 ऑफ द कांगो बेसिन लाइज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इट इज अ लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेंस ऑन 3 साइड्स। द रुवेनजुरी माउंटेंस आर लोकेटेड इज द नॉर्थ ईस्ट। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन इन माउंट मरघेरिता। ठीक है बेटा, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो 3 साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में बच्चों एक पहाड़ है रुवेनजुरी, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट मरघेरिता है, माउंट मरघेरिता। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बच्चों यहाँ का क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा है ध्यान से देखिए। द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज वेरी हॉट एंड वेट। टेम्परेचर्स आर हाई थ्रू आउट द ईयर। द एयर इज ऑलवेज ह्यूमिड। बच्चों यहाँ पर जो है ना बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश के मौसम में बारिश भी बहुत होती है, यानी यहाँ का जो मौसम है वो गर्म और नम है, यानी गर्मी भी पड़ती है और नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? यानी चिपचिपाहट यहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा होता है। इन द मॉर्निंग द सन शाइन्स ब्राइटली एंड बाई नून इट बिकम्स वेरी हॉट। कांगो एक्सपीरियंसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ थंडर स्टॉर्म्स इन द वर्ल्ड। आपको बच्चों पता है कि जो कांगो है यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और थंडर स्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। थंडर स्टॉर्म का मतलब तूफान भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आंधी तूफान ये सब आते हैं। इट रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। द क्लाइमेट इज कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस एंड थिक फॉरेस्ट। देयर इज हार्डली एनी सॉयल इरोशन एंड द सॉयल इज नरिश्ड। बच्चों यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत अच्छा खासा उगता है, और यहाँ पर सॉयल इरोशन भी नहीं होता है, और मिट्टी जो है पूरे साल जो है नरिश होती रहती है, यानी मिट्टी को पोषक तत्व जो है वो मिलते रहते हैं।
वेजिटेशन इज वेरी रिच हियर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर हाईली सुटेबल फॉर प्लांट लाइफ द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। बेटा यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत सारे हैं, कितने बहुत सारे। यहाँ का मौसम चूँकि बहुत अच्छा है इसलिए पेड़ पौधे यहाँ पर उग जाते हैं। और आपको पता है बेटा पेड़ जो है इतने घने और ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सूरज की रोशनी अंदर पड़ पाती है। खुद से सोचिए पेड़ पौधे अगर बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाए और घने हो जाए तो क्या सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ सकती है? नहीं। तो जो जंगल है वहाँ की बात हो रही है, जो जंगलों में पेड़ पौधे इतने ऊंचे और घने हैं कि सूरज की रोशनी अंदर नहीं पड़ पाती है और दिन में भी जंगल के अंदर क्या रहता है, अंधेरा टाइप का रहता है। ट्रीज लाइक टीक इबोनी महोगनी एंड रेड वुड ग्रो एबंडेंटली। बैम्बू रबर कॉटन एंड बनाना आल्सो ग्रो हियर। बच्चों ट्री जैसे टीक इबोनी महोगनी रेड वुड ये सारे पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ बांस का पेड़, रबर, कॉटन और बनाना ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। इन पार्ट्स ऑफ साउदर्न कॉन्गो द वेजिटेशन इज डिफरेंट हियर। हियर वी हैव ग्रासलैंड्स विथ शॉर्ट ट्रीज, सच ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। इन पार्ट्स ऑफ साउदर्न कॉन्गो द वेजिटेशन इज डिफरेंट। बेटा साउदर्न कॉन्गो यानी कॉन्गो के साउदर्न पार्ट में जो वेजिटेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर ग्रासलैंड पाया जाता है यानी घास के मैदान, और इन घास के मैदानों का बड़ा स्पेशल नेम है। क्या नेम है बेटा? सवाना ग्रासलैंड। ओके बच्चों आगे देखिए। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ रिच एंड डाइवर्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक चिंपैंजी, बबूंस, कैपीज, एलिफेंट, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस एंड बफेलो आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। बच्चों यहाँ पर बहुत ढेर सारे जानवर भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? पेड़ पौधे तो मान लो हैं ही, जानवर भी ढेर सारे पाए जाते हैं। जैसे चिंपैंजी देख रहे हो ना, चिंपैंजी इंसानों की नकल सबसे ज़्यादा ये करता है। बफेलो हुआ, हिप्पोपोटामस हुआ, ये सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लायन, लियोपार्ड, जिराफ एंड ज़ेब्रास are found in the grasslands. Reptiles such as python, viper and tree cobra etc. are common. और बच्चों शेर, तेंदुआ, जिराफ, जिब्रा के साथ साथ कुछ रेंगने वाले जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे python, python सांप है, viper भी एक तरह का सांप है और king cobra ये भी एक तरह का सांप है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। Many kind of birds such as parrot, pelicans, cuckoo, flamingo are seen. Insect like bee, beetle, scorpion, tasty flies, सीसी है ना, सीसी मक्खी एक होती है, मच्छर, mosquito, termite. Termite का मतलब बच्चों क्या होता है? दीमक, आंट, सेंटीपीड्स। सेंटीपीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गोजर एक होता है ना, गोजर, सेंटीपीड, रुके मैं बता रहा हूँ। ग्वालिन, ग्वालिन का नाम आप लोग सुने हो, ग्वालिन। तो ये सारे जो हैं कुछ कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहाँ की जो देश है, मतलब ये जो देश है आखिर में यहाँ पर इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इसकी सरकार पूरी तरह से निर्भर रहती है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। द मेन फूड क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस, मेज एंड कसावा। बच्चों यहाँ का सबसे मुख्य व्यवसाय क्या है? वो है खेती। और यहाँ के जो किसान हैं वो चावल, मक्का और कसावा उगाते हैं। कसावा इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। इट इज़ अ रूट क्रॉप। इट इज ड्राइड एंड क्रश टू मेक फ्लोर विच इज यूज टू मेक ब्रेड। बच्चों कसावा ना इनका एक मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है। क्या है? स्टेपल फूड यानी मुख्य भोजन। मतलब ना बच्चों ये यहाँ के लोग जो है कसावा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कसावा एक रूट क्रॉप है यानी इसकी जो
जड़ होती है इसका, जैसे पेड़ तैयार किए, पौधा तैयार किए, फिर उसको उखाड़ते हैं, फिर इसकी जो जड़ रहती है इसको साफ करते हैं और सुखवा देते हैं। सुखाने के बाद फिर इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, पीस देते हैं और इसका आटा तैयार करते हैं, और आटा तैयार करने के बाद इसका ब्रेड बनाते हैं। आई बात समझ में? कैश क्रॉप लाइक कोकोआ, टोबैको, रबर एंड ऑयल पाम आर आल्सो ग्रोन। द कैश क्रॉप आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। बेटा कैश क्रॉप का मतलब होता है नगदी फसल, ऐसी फसल या ऐसी खेती जिसको अपने इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बेचने के लिए पैदा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप कहा जाता है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ओनली फॉर सेल नॉट फॉर ओन यूज, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कैश क्रॉप कहा जाता है। जैसे कोकोआ यानी कॉफ़ी वाला, टोबैको यानी तंबाकू, रबर, ऑयल पाम, और ये सब कहाँ भेजा जाता है? यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। फिशिंग इज डन इन रिवर एंड लेक, देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोर्सेज ऑफ पावर। और बच्चों यहाँ पर मछली भी मारा जाता है तालाबों में और नदियों में, झील में और नदियों में। और बेटा यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग, वो बहुत कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी कम है यहाँ पर, और दूसरा सोर्स ऑफ पावर यानी बिजली की सप्लाई यहाँ पर बहुत कम है, साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी, इसीलिए इंडस्ट्रीज क्या है बच्चों? काफ़ी कम है। द मेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मिल, बेवरेज, रिफाइनिंग ऑफ मिनरल एंड कंज्यूमर गुड्स। मेन इंडस्ट्रीज जो बच्चों यहाँ पर है वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब भोजन को काफ़ी दिन तक हम लोग कैसे बना सकते हैं। टेक्सटाइल मिल्स, सूती वस्त्र उद्योग है। बेवरेज का मतलब होता है पीने वाला जो पदार्थ होता है वो बनाया जाता है, जैसे कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड कंज्यूमर गुड्स, रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स का मतलब ये गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो धरती से निकाला जाता है, और साथ ही कंज्यूमर गुड्स यानी डेली यूज होने वाले सामान भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और बच्चों एक और ख़ास बात, आज जो है 23 जनवरी है यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इनका था, बहुत बड़ा बलिदान भी था, ठीक है। इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आज भी काफ़ी संदेह के घेरे में है। और बच्चों 23 जनवरी को अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? इसी के साथ बेटा हम स्टॉप होते हैं। और बच्चों यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, जनवरी है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।